मूवी की शुरुआत में साल 1944 दिखाया जाता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप की मित्र देशों की मुक्ति के दौरान इंडियाना जोन्स और उनके सहयोगी साथी बेसिल शॉ और ऑक्सफोर्ड के एक साथी आर्कियोलॉजिस्ट को लॉन्गिनस के लांस को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते समय नाजियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस बीच एक आदमी जिसका नाम वोलेर होता है अपने साथियों को बताता है कि उनके पास जो लांस मौजूद है वो नकली है, लेकिन उन्हें आर्किमिडीज डायल का आधा हिस्सा मिला है जिसका आविष्कार सिरेक्यूसन गणितज्ञ आर्किमिडीज ने किया था और यह समय पर दरारों का पता लगाने में सक्षम है। जोन्स भाग जाता है और लूटी गई प्राचीन वस्तुओं से भरी एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां उसे पता चलता है कि भाला नकली है पर उसके हाथ आर्किमिडीज डायल का आधा हिस्सा लग जाता है। तभी कुछ प्लेन्स हमला कर ट्रेन के पुल को नष्ट कर देते हैं। पुल के गिरने से पहले ही जोन्स और उसका साथी ट्रेन से कूद जाते हैं। 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान अपने बेटे की मृत्यु के बाद जोन्स अपनी पत्नी मैरियन रेवनवुड से अलग हो गए और हंटर कॉलेज में पढ़ाने लग गए। इसके बाद हेलेना शॉ, जो कि बेसिल शॉ की बेटी होती है, वह भी ट्रेजर हंटर होती है, जोन्स को मिलने के लिए एक बार में बुलाती है, जहां जोन्स उसे बताता है कि डायल दो हिस्सों में बट गया था और उसके मृत पिता उसके रहस्यों को खोलने की कोशिश करते समय लगभग पागलपन की ओर बढ़ गए थे। जोन्स ने बेसिल से वादा किया था कि वह डायल को नष्ट कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कॉलेज के स्टोर रूम से डायल का पहला टुकड़ा प्राप्त करते हैं, जहां उन पर वोलेर द्वारा भेजे गए गुंडों द्वारा हमला किया जाता है, जो अब एक नई पहचान के तहत नासा के लिए काम करता है। जोन्स को वोलेर के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और हेलेना डायल के साथ भाग जाती है और उसे काले बाजार की नीलामी में बेचने का प्लान करती है। न्यूयॉर्क सिटी में परेड का आयोजन होता है, जिसकी भीड़ का फायदा उठाकर जोन्स वोलेर के आदमियों के कब्जे से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने पुराने दोस्त सल्ला, जो अब एक कैब ड्राइवर है, उससे मदद मांगता है। जोन्स टेंजियर की यात्रा पे निकलता है और वहां पहुंचकर हेलेना को डायल के पहले हिस्से को नीलामी में बेचने से रोकता है। वोलेर और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं और डायल चुरा लेते हैं। डायल को वापस पाने के लिए जोन्स, हेलेना और उसका एक साथी टेड ऑटो रिक्शा में उनका पीछा करते हैं। रहीम नाम का एक गैंगस्टर, जिसकी पहले हेलेना से सगाई हुई थी, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन जब उसकी कार एक संकरी गली में फंस जाती है तो वो रुक जाता है। वोलेर को मेसन ने पकड़ लिया है, जिसे सरकार द्वारा वोलेर को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वोलेर और उसके लोग मेसन को मार डालते हैं और उसके हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। जोन्स, हेलेना और टेड वोलेर का पीछा करते हुए ग्रीस चले जाते हैं, जहां वे एजियन सागर से एक टैबलेट, जिस पर डायल के दूसरे भाग के निर्देश अंकित होते हैं, उसे निकालने के लिए एक गोताखोर दोस्त रोनाल्डो की हेल्प लेते हैं। उन्हें टैबलेट मिल भी जाता है, पर वोलेर और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और रोनाल्डो को मार देते हैं। जोन्स, हेलेना और टेड भाग निकलने में कामयाब होते हैं। वोलेर और उसके साथी जोन्स के समूह का सिसली तक पीछा करते हैं, जहां उन्हें आर्किमिडीज की कब्र पर डायल का दूसरा और अंतिम टुकड़ा मिल जाता है। वोलेर जोन्स को पकड़ लेता है, डायल के दोनों हिस्सों को जोड़ता है और 1939 में समय यात्रा करने और अडॉल्फ हिटलर को मारने की अपनी योजना का खुलासा करता है, इस उम्मीद में कि एक बेहतर नेता उठेगा और जर्मनी को युद्ध में जीत दिलाएगा। हेलेना वोलेर के विमान के उड़ान भरने से पहले ही उसमें सवार हो जाती है, जबकि टेड दूसरे विमान में उनका पीछा करता है, जहां अनजाने में उसके साथ सोता हुआ पायलट भी होता है। हालांकि वोलेर महाद्वीपीय बहाव को ध्यान में रखने में विफल रहता है और समय की दरार उन्हें सिरेक्यूस की घेराबंदी के दौरान 212 BC में ले जाती है, जहां युद्ध चल रहा होता है। सैनिक प्लेन में बैठे लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और उनपे भी अटैक करते हैं, जिससे वो प्लेन नीचे गिरने लगता है। जोन्स और हेलेना एक ही पैराशूट लेके छलांग लगा देते हैं और बच जाते हैं। वोलेर और उसके लोग प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। जोन्स को गोली लगी होती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होता है। वोलेर के दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच करने के लिए आर्किमिडीज स्वयं अपनी कार्यशाला से निकलकर आते हैं और उन्हें अपना भविष्य से लाया गया डायल मिलता है। जोन्स हेलेना से कहता है कि वह उसे अतीत में छोड़ दे, जिससे वह प्राचीन इतिहास का हिस्सा बन सके, लेकिन भयावह समय विरोधाभास की संभावना के डर से हेलेना ऐसा करने से इनकार कर देती है और आर्किमिडीज भविष्य से लाए गए डायल को वापस कर देता है। हेलेना जोन्स को उसके मुंह पर मुक्का मारती है, जिससे जोन्स बेहोश हो जाता है। फिर हेलेना जोन्स को टेड के विमान में उसे 1969 में लौटा ले जाती है। जोन्स अपने अपार्टमेंट में जागता है और हेलेना, टेड सल्ला और उसके पोते पोतियों के साथ साथ मैरियन से फिर से मिलता है। सभी लोग जोन्स और मैरियन को अकेला छोड़ आइसक्रीम खाने के लिए निकलते हैं, ताकि वे कुछ समय साथ बिता सके। जोन्स और मैरियन जोश से चूमने से पहले अपनी पिछली बातचीत को याद करते हैं और बस यही पे मूवी एंड हो जाती है।
आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।